गुलशन हदीद में शहरियों से दिन दहाड़े मोबाइल छीनने लगे और दुकानों पर डकैतियां पड़ना शुरू। पुलिस मुजरिमों की आला कार बन गई। आइए तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं कल दोपहर 3 बजे अपनी शॉप पे बैठा हुआ था, मेरे पास कस्टमर आया, कस्टमर को मैं डील कर रहा था, तो इस दौरान जो है 3 डकैत पठान थे, तीनों गन लोड थे, वो मेरी शॉप पर आए। उन्होंने पहले मुझे बट मारे, उसके बाद में नीचे गिरा दिया, उसके बाद में दरवाज़ा बंद करके जो है वो शॉप में जो है 19 मोबाइल ले गए और 50,000 रुपये ले गए। उसके बाद जो है वो मुझे मतलब के तशद्दुद का निशाना बनाते हुए यहाँ से फरार हो गए, जिसकी फुटेज हमने थाने में जमा करा दी है। आए दिन में 10 दुकानें लुटती हैं, मोटरसाइकिलें लुटती हैं, मेरे से मेरी फैमिली से दिन दिहाड़े गुलशन रजी अल्लाह वाली चुरंगी पे हमारे से गन पॉइंट पे डकैती हुई है। किसको हम जाके बोले, हम गरीब, सुबह 9:30 बजे दिन दिहाड़े वो मौजूद है, कोई कार्रवाई नहीं करता, बता किसको FIR नहीं काटती, पुलिस क्यों काटेगी FIR? पुलिस का क्या काम है FIR काटना, वो थोड़ी काटती है। वो रिसीविंग पे हल्का सा ठप्पा मार के दे दिया है, रिसीविंग CCTV मौजूद है इनके पास, वो रिसीव ही नहीं कर रहे वो लोग। एक शहरी ने बताया कि उससे पुलिस मोबाइल के सामने मोबाइल छीना गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई ना की। डकैत धमकियां देता रहा कि मोबाइल का डेटा पब्लिक कर दूंगा। इस सिलसिले में DSP मलीर को भी शिकायत की गई, लेकिन कोई पेशरफ ना हुई। डकैती की वारदातों में इजाफे पर शहरियों में बेचैनी पाई जाती है, जबकि पुलिस का रवैया मजीद परेशानी का बायस बनता है।